संधि क्या पढ़ना चाहेंगे? लेकिन संधि पढ़ने से पहले आपको पढ़ना है वर्ण। वर्ण अगर समझ लेते हैं तो संधि, संधि को ऐसे धज्जी उड़ा दीजिएगा, ऐसे उड़ा दीजिएगा जैसे लगेगा जो शायद धज्जी उड़ाने के लिए आप लोग पैदा नहीं है। चलिए आइए, तो वर्ण, वर्ण क्या है? वर्ण वो बूंद ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा और नहीं किया जा सकता है। किसी ने बोला, किसी ने बोला तो हम क्यों विश्वास करें? हम विश्वास अब करते हैं, करके देखते हैं। व को अलग कर देते हैं, नो रो रेप को अलग कर देते हैं। इसको अलग करने के बाद इसका कोई अस्तित्व देख रहे हैं? नहीं। इसको करने के बाद देख रहे हैं? नहीं। अब हमको विश्वास हो गया जो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। नहीं इसलिए किया जा सकता है जो करने के बाद जो बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या बचेगा? चलिए तो ये आप समझ गए। अब हम आपको बता दें क्योंकि देखिए आप पढ़िए इस हिसाब से जो जब कभी मौका मिले ना तो सामने वाले को पढ़ा दें उस हिसाब से, है ना। इस हिसाब से नहीं पढ़िए, सर एक बार एक क्लास में पढ़ा रहे थे यही चैप्टर या कोई भी चैप्टर, सर इससे क्या नंबर पूछेगा? हम कहे ऐसा करना ना, डिग्रियों बिकती है मार्केट में, डिग्रिये खरीद देंगे कि डिग्रिये खरीद देंगे, क्या नंबर पूछता है, ठीक है ना। तो आप ही समझ गए है ना। अब जानिए वर्ण के दो टाइप्स होते हैं। वर्ण के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है, है ना, ये स्वर जो होता है ना, स्वर यानी कि ये तो स्वर्ग है, स्वर्ग है यानी स्वर्ग में सब आइटम मिलेगा आपको, स्वर्ग सब आइटम मिलेगा यानी कि वो संपन्न है तब तो। तो ये जो है ना ये स्वतंत्र होता है और ये जो है सो परिपूर्ण होता है, यानी इसका उच्चारण जो होता है स्वर वर्ण का जो उच्चारण होता है वो स्वतः होता है, अपने आप होता है, किसी की बाप की जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो ये हो गई। और जैसा कि बता दूं इसकी संख्या 11 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और जैसा कि हम आपको शॉर्ट में बता दें, अ बटे 11 इज इक्वल टू स्वर, ये इसका फॉर्मूला तैयार है बन करके। री समेत अ बटे 11 हिंदी में है, हिंदी में पढ़ रहे हैं 11 बटे स्वर, ये हो गया, ठीक है। अब हम बात करें आगे, इसके आगे बात करें, ठीक है ना। अब 11 है तो 11 में भी जो है सो टेंशन है, तनाव है। 11 आदमी एक साथ रहे तो समझ जाओ सब के सब बीमारे हैं, जिंदा होता तो बंटवारा कर लेता, ये भी बंटवारा किया है ना। तो ये हाँ तो यानी ये स्वर है ना, 11 है ना, अब ये बंटवारा कर लिया है अपने तीन पास में, 1 2 3। पहला क्या हो जाता है? हर्ष, हर्ष का मतलब छोटा हो जाता है, उसके मतलब होता है दीर्घ, दीर्घ का मतलब बड़ा, नहीं विश्वास है, लघु, लघु का विलोम क्यों होता है तब बताइए, आप लोग उतने तक जानते हैं। उसके बाद ये होता है प्लू, है ना, ये अमात्री होता है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, या बात करें तो एक मात्री होता है, ये दुई मात्री होता है और ये तीन मात्री होता है, ये एक मात्री, दुई मात्री और ये तीन मात्री, ठीक है, बिल्कुल सही। अब इसकी संख्या जो है वो 4 है, इसकी संख्या जो है वो 14 है और इसकी संख्या 0, ठीक है ना। अब इसमें बात करते हैं कौन कौन है, तो ओ है, ई है, उ है और री है, ठीक है। इसकी संख्या क्या है? तो आ है, ई है, उ है, ए है, ऐ है, ओ है, औ है, ठीक है। और ये तो बता दिए कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी नहीं होता है वो बहुत कुछ होता है, ये भी आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए इतना आप समझ गए। इसको बोलने में अगर 1 सेकंड लगता है, इसको बोलने में डबल लगेगा 20 सेकंड और इसके बोलने में 3 सेकंड लगेगा, ठीक है ना। तो ये कैसे होता है एक उदाहरण देते हैं। जैसे हम लिखते हैं ओम, ऐसे भी लिखते हैं, हम ओम लिखते हैं तो ऐसे भी लिखते हैं, हम ओम लिखते हैं तो आजकल अक्सर सब दिन से ऐसे जरूर लिखते हैं, इसको ओमेन पढ़ेंगे। अब मैं बता दूं, अब ये ओम जो है ना, अभी तक आपकी जानकारी क्या थी और अब के बाद आपकी जानकारी क्या होगी। देखिए ओम लिखते हैं, आप हिंदी में ये वाला शब्द पढ़े होंगे,
मैं बात करूं यहां लिख दूं? यस सर। आप बच्चों को दिखाई पड़ रहा है? यस सर। ठीक है, जैसे एक लिखे, दो लिखे, तीन लिखे, चार लिखे, पांच लिखे, छह लिखे, सात लिखे, आठ लिखे, नौ लिखे, ये लिखे दस, देख सकते हैं हमने हिंदी में लिखा। आप तो जान सकते हैं हिंदी में लिखा, लेकिन आपके बच्चे आपसे पूछेंगे ये की होता है। हाँ, आपके बच्चे, आपके जो बच्चे होंगे वो जरूर पूछेंगे। भविष्य भविष्य के ना, अभी आपका बच्चा थोड़ी हो रहा है, इसके लिए शादी आपको करनी होगी ना। फिलहाल शादी ना करें, फिलहाल आपका क्लास चल रहा है। ठीक, तो एक दो तीन चार ऐसे करके हो गया। यही मिला करके देख लीजिए तो मिलता है कि नहीं मिलता है। अब तो आपको विश्वास हमने पैदा कर दिया, अभी प्रमाणित सत्यापित कर दिया, ये ओम है यानी त्रिमात्रिक है, यहाँ हिंदी का ये तीन है। तो हिंदी पढ़ा रहे तो हिंदी का तीन नहीं होगा तो उर्दू का तीन होगा। बिल्कुल आप समझ गए। और इसका उच्चारण होता है किसी वैदिक मंत्रों के चारण में, वैदिक मंत्र उच्चारण में, किसी को पुकारने में, चीखने में, चिल्लाने में इसका प्रयोग होता है। आप ओम बोल करके देखिए, टाइम लगेगा। लगा ना, आप लोग देखते भी होंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा अपना तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। टाइम लगता होता है तो टाइम लगता होता सब चीज होता है, वो सब चीज होता है जो हम करना चाहते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये हो गया, तो कहीं कोई दिक्कत? हमको यहाँ तक नहीं, आगे ले जाना है। इसको देख लिए, इसको मिटा देना चाहेंगे? ठीक है, फटाफट इसको मिटाते हुए। चलिए, अब इसी के साथ हम जानकारी ले लेते हैं किसका। तो इसका जो छोटका भाई है वो वे, ये आप कौन है? व्यंजन, व्यंजन यानी ये, इसको क्या बोले हैं? भिखमंगा। बड़का भाई, बड़का भाई से हाथी फैलाता है, जस्ट लाइक अभिषेक जी। आप पीछे क्या देख रहे हैं? वो यही हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। आपको लगा, अच्छा आपको लगा ना, उनको अभी तक नहीं लगा। इशारा इशारा भी हुआ, कमो हो गया। व्यंजन, व्यंजन की संख्या 33। हम ऐसा क्यों बोले पता है? नीतीश सर पढ़ा रहे हैं ना, उनके पास 11 रुपया होता है, तो हम चेक करते हैं तो उनके भाई, छोटे भाई अभिषेक के पास 33 रुपया। हम कहे ऐसा क्यों? इसका मतलब हुआ ये जो है, डालते हैं। हाँ, उनको पता है। चलिए, 33। चलिए आइए आइए, मैं बात करूं। इसके कितने बच्चे? इसके भी तीन बच्चे। देखिए ये तो स्थिति है, बड़का भाई जो करेंगे छटका नहीं किया तो हमारी संस्कृति बदनाम हो जाएगी ना। ऐसा तो करता, हम बड़ों का संस्कार अपने में ग्रहण करते हैं, यही तो हमारी संस्कृति की परिभाषा होती है ना। आपका बैठना, आपका हंसना, आपका रोना, आपका चलना, आपका आपका सब कुछ ये दिखा रहा है जो आपका परिवार कैसा है, आपका समाज कैसा है। बात समझ रहे हैं ना? आपके बोलने से हम पकड़ लेंगे जो आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं, आपके हंसने से पकड़ लेंगे जो आप पहली बार हंस रहे हैं कि हंसने के लिए पैदा लिए, पता चल जाता है, ठीक है ना। चलिए, आपके टीचर के क्वालिटी से पता चल जाता है जो आप स्टूडेंट कैसे हैं, ठीक है ना। तो आइए, इसके तीन बच्चे, पहला है स्पर्श, पहला है स्पर्श, दूसरा है अंतस्थ, और इसका तीसरा जो है उसको कहते हैं उष्म। देखिए, हम एक चीज अक्सर आपको कहते हैं, जो हिंदी का हर वर्ड शब्द अपनी पहचान अपनी परिभाषा बताती है, कहते हैं ना स्पर्श। स्पर्श मतलब होता है छूना। किसी को दिक्कत? दिक्कत है तो अगल बगल छू के देख लो, जिसको दिक्कत हो। चलिए, नहीं नहीं नहीं, हाँ स्पर्श मतलब छूना। अंतस्थ का मतलब, इसमें दो शब्द है, अंत जोड़ स्थ
अंता मतलब अंदर, अस्था मतलब स्थिर, यानी बैठा हुआ है, जैसे आप लोग जैसे बैठे हुए। किसी को शक भी? चलो बिल्कुल सही। अच्छा उस मतलब होता है गर्मी, गर्मी है ना, आप समझ रहे हैं। तो इसकी संख्या होती है 25, इसकी संख्या होती है 25, 25। इसकी संख्या होती है महज 4, और इसकी संख्या होती है कितनी? 4। यहाँ नहीं देख रहा है, यहाँ देख रहा है तब कहेगा हाँ 5 तो हो जाएगा 34। तो हमको आज एगो एक्स्ट्रा सीख के जाना होगा यहाँ से। चलिए अब समझ रहे हैं। तो स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या 25। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, आपको बताना होगा स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या 25, अंतस्थ की 4 और उष्म का। हाँ अब देखिए ये 25 कौन कौन है, इसके लिए भी हमने फॉर्मूला तैयार किया है। इसका फॉर्मूला है बता देते हैं ना, इसका है फॉर्मूला कप बटे 25 इक्वल टू स्पर्श। इसका फॉर्मूला लीजिए बन के तैयार, यानी कमर से पवन तक 25 हो गया। अब इसको की कहेंगे, इसको कहते हैं यम बटे 4 इक्वल टू अंतस्थ। कहना पड़ेगा जो यो होता है तो रो होता है, और रो होता है तो लो होता है, वो होता है। ये छोटी छोटी बातें मत चलिए। और ये इसकी संख्या होती है 4, इसकी संख्या होती है 4, और इसको कहते हैं शह बटे 4 इक्वल टू उस। कोई दिक्कत पसंद ले? कहीं कोई दिक्कत नहीं। कप यानी कवर से पवर तक, तो कवर से पवर तक जब हम बोलते हैं तो तालु हो, दांत हो, मूर्धा हो, किसी हाँ या लिप्स हो, होस्ट हो, हाँ बिल्कुल उस पर बड़ा ध्यान है। चलिए तो किसी ना किसी से वो टकराते हुए आवाज जब निकलती है तो उसको की कहेंगे स्पर्श। और अंतस्थ मतलब बहुत नीचे होता है, बहुत नीचे, हमको लगता है यहाँ आर होगा। अब सही सही एक्सरे रिपोर्ट बताएगा, लेकिन हमको लगता है यहाँ आर होगा। यहाँ से लेकर के उसको करना पड़ता है, बहुत नीचे होता है, और उसको ये करते हैं। गुस्सा में भी अगर बोलोगे ना तो यो रो लो वो नहीं बुलाएगा, और हर तुतलाने वाला आदमी इसी में गलती करता है। एक छोटा सा बच्चा आपके साथ होता है, कहता है कि अरे काहे तुम रो रही है या रो रहा है, हमको लेल गाली चाहिए। लेल गाली क्या कहेगा? लेल गाली लेंगे, लेल गाली, लेल गाली। हर तुतलाने वाला, अगर तुतलाने वाला व्यक्ति या कोई व्यक्ति रो बोल दिया चलिए हंस लिए ना, हंसने का अलग से चार्ज कहेंगे नीतीश सर को लेने के लिए। रो बोल दिया है ना, रो तो समझ जाइए वो सब चीज बोल सकता है। बच्चा जब कुतलाता है तो रेलगाड़ी नहीं लेलगाड़ी करता है, बिल्कुल बड़ा नीचे होता है। बच्चा प्रयास करता है, पहले ऊपर लाता है फिर जुबान से बाहर बातें आती है, लेकिन लड़खड़ा जाती है और उसका रेलगाड़ी हाँ ये बोलने से गर्मी पैदा जो है सुन लेती है। ये सब ये वर्ण बोलने से बोल के देखिए पूरा जो है सो निकलेगा। तलम्ब सो, उठन्न सो, दंत सो, वो अलग है ना। गर्मी निकलनी ना इससे, तो इसलिए इसका नाम उसम पर गया। नहीं गर्मी, ये बहुत नीचे है, तुतलाहट है, इसलिए अंतस्थ। आई छुके निकलता है है ना, आपको पता है। ऑब्जेक्टिव में वो ये वाला क्वेश्चन पूछ देता है, इसको मिटा करके बता देते हैं। आप जान भी रहे हैं फिर भी आपको बता देते हैं। इसके साथ होता है उच्चारण स्थान कंता मुंह दो,
यानी कंटर कहीं रखा है उसमें मुंह तुम घुसा दो, इसी कंटर में अपने मुंह को घुसा दो, वही वह कंटा मुंह दो। इसमें की होता है ये कंठ है, ये तालु है, ये मुर्दा वही ना आई कहती है कंठ है, ये कहती है ओष्ठ है, ओष्ठ है, बिल्कुल सही। सुंदर बात अति सुंदर बात। अब जितना कवर्ग है उसका, जितना कवर्ग है उसका उच्चारण जो है सो कान से होगा, उसके बाद जितना चवर्ग है उसका उच्चारण तालु से, और जितना टवर्ग है उसका मूर्धा से, और जितना जितना आपका टवर्ग है उसका दंत से, और जितना पवर्ग है उसका उच्चारण होता है आपके लिप्स से ओर से। तो हम कहेंगे कि फो बोलो फो बोलो, लेकिन ऊपर वाला ढक्कन ऊपरे रहे, नीचे वाला नीचे रहे, संभव है? नहीं होगा ना, तब तो आपको विश्वास होगा। तो ये कंता मुद और याद रखिए है, अब पूरा जैसे कवर्ग से पवर्ग तक आप रपेट दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हो सके तो इसको जल्दी से आप ये मेंशन कर लें अपनी अपनी कॉपी में, बड़ा काम का चीज है, ठीक है ना, इसको इसको, बाकी चीज तो आप जान लिए गए हैं। अब हम लोग चलेंगे संधि के पास, कहाँ चलेंगे? संधि के पास। देर ना करें, देर ना करें, जल्दी करें, आधा मिनट में इसको लिखना होगा। हाँ, इसको इसको कंता मुदो हटना क्या है, ऐसी तुम लिख सकती है, अभी जस्ट पर ही है, जस्ट पर ही है, इसको क्या देखना है, लिखते रहिए लिखते रहिए, है ना। तो बताइए अब फरिया गया, कहते फरिया आया है 44 से हुआ है 52 है 52 कितना है, अभी तक गए हैं कितने पर 44, तो क्या गो बाकी है बोलो ना, 8 गो, तो 8 को नहीं जानना है लिखे के है, तो फिर कहते हैं फरिया गया। हमसे सीखो, जानते हुए नहीं जानने का नाटक करना चाहिए, उससे जानकारी तेज हो जाती है जीवन के हर क्षेत्र में, जानते हुए भी नहीं जान लो, बात समझ रहे हैं ना। और स्टूडेंट स्टूडेंट लाइफ में आप बच्चे हमेशा हमेशा सुनने का काम ज्यादा कीजिए, बोलने के लिए तो जिंदगी पड़ी हुई है, वैसे भी बिल्कुल कितने क्वालिटी की बात बताई है, कितने क्वालिटी की बता बात बताई, कान दूगो है इसका मतलब जो है ज्यादा सुने, मुंह एगो है तो कम बोले, बिल्कुल सही बात, क्या इशारा, कान दूगो है ज्यादा सुने, मुंह एगो है। हम लोग एगो काम करते हैं, एगो काम ही करते हैं जिसके विपरीत काम करते हैं, इसके विपरीत हम लोग काम करते हैं, कान दूगो है तो उसको काम भी कम करते हैं, मुंह एगो है तो उसका हरदम यूज करते हैं, ठीक। अरे मिस यूज करते हैं तो यूजन करते हैं, मिस यूज में भी तो यूज हुआ, कैसे कहेंगे मिस यूज हुआ, हल्का इधर हो जाए, की करना पड़ता है। रात एगो शादी समारोह में थे, समझे ना, शादी समारोह में थे, और वो क्या होता है आजकल तो जयमंगली बिना जयमंगली कार्यक्रम हुए जब तक जयमाला में लड़का लड़की को ना देखे और लड़की लड़का को ना देखे सिंदूरार्पण होवे नहीं करेगा, जी ना, वो देखने का वो तरीके होता है, क्योंकि वो आदि काल से होते आ रहे हैं। तो जैसे अभी हमको नीतीश सर बोले सर तनिया हो जाइए, जैसे लगता है जैसे यहाँ कोई कैमरो है, हम कैमरा में चल रहे हैं, जब तक लिख रहा था तो सुना देते। हाँ सुना देते हैं, सुनिए ना, तो है स्टेज पर हमारे डायरेक्शन में काम हो रहा था, स्टेज पर लड़का और लड़की है ना, दोनों जो है सो हाँ पहुंचे और क्यों पहुंचे ये नहीं कहना है, जानवे करते हैं। चलिए सिलेबस पूरा था, एग्जाम का डेट था, परीक्षा देने ना आए, ठीक है, बस और बस क्या हुआ, लड़की जो है सो लड़के के गले में जो है सो फंदा डाली, ठीक है ना, और लड़का भी जो है सो डालना चाहा, आगे इतने में जो है सो कैमरामैन कहता है मेरे तरफ देखो, हम बगल में थे, हम कहे बताओ ये कैसन हो गया, वो लड़का
मैंने सामने लड़की को देख करके माला पहनाना या फंदा पहनाना मतलब चाह रहा है, और कैमरा मैन कहता है मेरे तरफ देखो लड़के लड़के में ब्याह करेगा क्या, इशारा यही ना था कि मेरे तरफ देखो, इसी मतलब होता है। हर बीध में आजकल हो गया है कैमरा मैन कहेगा मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ सिंदूरदान देना है तो मेरे तरफ देखो, अब केकरा माथा में पड़ जाए कहना मुझे, देख सुन के काम करने दो ना कि हत है। एक मंदिर में हम देखे एकदम स्मार्ट जो है सो भक्त की क्या हो रहा है, तो देखे क्या है ना ऐसे मंदिर में है ना, ऐसे मान लो हाथ में जो है सो ये रहा आरती की थाली, मान लीजिए मान लेते हैं तो आंसर मिल जाता है ना, ये आरती की थाली और वो कर्ता की है, तब बस ऐसे शुरू किया है, कैमरा हो तो बड़ी बात, पहले इसको जो है सो दे दिया एकदम बिल्कुल सेल्फी मोड पर ऐसे दे दिया, आइए जय जगदीश हरे अली जी, भगवान यहाँ के यहाँ आ गए, इसके चक्कर में आज की है होता कि ऐसा है कि नहीं। एक आदमी भगवान का प्रणाम कर रहा था, गेट पर उसे चप्पल खोला था, उस पर ध्यान था, हम बोले जा आप इसको प्रणाम कर रहे हैं कि चप्पल है, कल ही खरीदे हैं 2999 रुपया का, तो हम कहे चप्पलों लेके आ जाते कि मतलब ये स्थिति है आजकल, लोग खाते रहेंगे ऐसे करते रहेंगे। अभी हम आ रहे थे, हम तीनों आदमी आ रहे थे, एकदम सच्ची घटना बताते हैं, पानी वहां जो लगा हुआ है वहां की तो स्थिति ये है जो गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है ना, वहां की ये स्थिति है, बहुत ये स्थिति है। एक आदमी को देखे जो ऐसे करके जो है सेल्फी ले रहा, मतलब कि वो दिखा रहा है जो हम जो है सो जीवन का सबसे बड़ा जो है सो बेतरनी पार कर गए, ऐसे करके दिखा रहा है, ठीक है। हाँ दो मिनट, बिल्कुल सही, इसको आपने समझा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस संधि को भी हम समझा करके ही, दो मिनट कम हुआ, दो मिनट में हमारी जनसंख्या बढ़ जाती है, तो फिर दो मिनट कम हुआ, दो मिनट उससे पूछो जिसकी ट्रेन अभी अभी गई है और रह गए, उससे पूछो दो मिनट कम हुआ, दो मिनट बस बस बिल्कुल सही, दो मिनट आइए, दो मिनट में किससे की हो जाता है, चलिए बिल्कुल सही, तो आइए अब संधि बढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत है, यानी बिल्कुल आप समझ जाइए जो ये 33 और 11 कुल मिलाकर 44 का ख्याल रखिए, आपकी वही संधि बनती है। तो संधि क्या होता है, दो वर्ण या अक्षर आपस में जब मिलते हैं, अरे दो चीज आपस में मिला उसके मिलने से कुछ नहीं हुआ तो उसका मिलना बेकार। तो दो वर्ण या अक्षर आपस में जब मिलते हैं तो उनके मिलने से तीन स्थितियां बनती है, उसके अर्थ में, उसके उच्चारण में, उसके रूप में परिवर्तन होता है। तो जब दो वर्ण या अक्षर आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से अर्थ रूप उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन का दूसरा नाम संधि। कोई दिक्कत, विश्वास ना है तो देख लो, जैसे हम यहाँ पर लिख दिए है गणेश, क्या लिख दिए है गणेश, इसमें देखिएगा दूगो मिलल है, एगो गण एगो मिलल है, तो गणेश कौन है, तो गणेश जो है सो स्वर संधि है। कहिएगा सर स्वर संधि केना है, नो है, तो नो तो स्वर नहीं हुआ ना, हाँ बाबू हुआ, इसका ऑपरेशन करो, आइए इसका ऑपरेशन करते हुए इसके पेट से बाहर निकला की तो ओ, ऑपरेशन किए ना तो इसके पेट से निकला ओ, आ इधर ई है तो ई तो स्वर है और स्वर है, आ दोनों मिल गया ना तो बन गया ए, तो गण और जोर ई बराबर ए, इसलिए गण जोर ईश बराबर गणेश नहीं गणेश, चूंकि फॉर्मूला है और जोर ई बराबर ए, इसलिए
गणेश आ नहीं तो अ जोर ई बराबर ई होता तो होता गणेश, होता गणेश, इसलिए होता है गणेश। आप समझ गए संधि की परिभाषा। जब दो वर्ण या अक्षर आपस में मिलते हैं उनके मिलने से जो रूप अर्थ उच्चारण में परिवर्तन होता है उसी का दूसरा नाम संधि। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आपने समझा। अब आइए एक मिनट अब बचा मेरे पास, क्या मिनट? एक मिनट आइए तो एक मिनट में हो जाए संधि की हुई शादी। संधि की हुई शादी किससे? तो वर्ण अक्षर रूपी दुल्हन से या दुल्हा से। संधि तो स्त्रीलिंग है ना, तो वर्ण या अक्षर रूपी दुल्हा से संधि रूपी दुल्हन की जय मांगलिक कार्यक्रम और शादी होते ही बच्चे होना शुरू। आइए संधि के कितने बच्चे? हाँ वही 11 लोग। स्वर, स्वर संधि। अब तो आपको मजा आ गया होगा जो सर काहे स्वर पढ़ाए, क्योंकि स्वर जब पढ़िएगा तभी है ना, स्वर जब पढ़िएगा तभी है ना आप जानिएगा स्वर संधि। नहीं पढ़ते तो जानते नहीं जानते। आइए उसके बाद क्या है? व्यंजन संधि। कौन संधि? व्यंजन संधि। एक और संधि होता है वो अह वाला, जिसको कहते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। कुल मिलाकर संधि के तीन भेद हो गए, कि 11-11 में ही मिलता है। हमेशा याद रखिएगा कि बड़का भाई ना है, कि मंझला भाई ना है, तो इसका आशीर्वाद इसको चाहिए ना, तो 11 प्लस 33 मिलकर के काम करता है, या 33-33 काम कर सकता है अकेले भी या मिलके भी। और ये जो होता है, ये जो होता है, ये इसको तो डबल भाई है, इसलिए इसका सिंबल ये होता है ईश्वर का साथ और ये व्यंजन का साथ। इसमें दो हेडलाइट है, बड़का भाई और मंझला भाई दोनों का, इसका साथ का एहसास है ना। तो जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो उसके रूप अर्थ में उच्चारण में परिवर्तन होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। और जब व्यंजन के साथ स्वर मिले या स्वर सॉरी व्यंजन व्यंजन मिले, व्यंजन व्यंजन मिले या व्यंजन के साथ स्वर मिले, तो उनके मिलने से जो उसके रूप में अर्थ में उच्चारण में परिवर्तन होता है उसको हम की कहते हैं व्यंजन संधि। और विसर्ग 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 के साथ स्वर मिले या व्यंजन मिले या दोनों मिले या एक ना एक ही मिले, उसके मिलने से जो होता है ये होता है। बस हो गया, इसी के साथ क्लास आपका खत्म। इसका जो हो जाता है सत्य जोड़ जन आधा को है बराबर सज्जन। इसका होता है मनह जोड़ हर मनोहर। ये दो वो हेडलाइट देखिए तो विसर्ग में या आधा को कुछ देखिए लटकल है, इसमें हो गया। संधि चैप्टर को बढ़िया से पढ़ के समझ के आइएगा। चलिए आपका क्लास ओवर। कैसा लगा? संधि बना पनिया से घर पेपर के आइएगा, बना के आइएगा। निकलिए आप लोग जल्दी। हटाओ तो पैर। हाँ